ये जो तिरंगे में लिपटा जवान चिरनिद्रा में लीन है, पार्थिव शरीर को तिरंगे के साथ साथ एक और ध्वज में लपेटा गया है, क्योंकि इस जवान ने भारत का ना होकर भी भारतीय सरजमी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस बहादुर जवान का नाम है नीमा तेंजिंग। सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF ने मोर्चा संभाला हुआ है। ये शहीद नीमा तेंजिंग उसी SFF के जवान थे जिन्होंने 29-30 अगस्त को चीन के साथ हुए हिंसक झड़प के दौरान एक विस्फोट में अपनी जान कुर्बान कर दी। 51 साल के नीमा तेंजिंग भारतीय सेना के SFF पैरामिलिट्री फोर्स में कंपनी लीडर थे। भारत के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इस वीर शहीद नीमा तेंजिंग का सोमवार को लेह में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की अंतिम विदाई के वक्त लोग उनकी बहादुरी को सैल्यूट करने के लिए भारी संख्या में इकट्ठे हुए। उनके हाथों में कई बैनर और पोस्टर भी थे जिन पर लिखा था, चाइना लाई पीपल डाई। शहीद नीमा तेंजिंग की अंतिम विदाई के दौरान उन्हें गन सैल्यूट दिया गया तो वहीं भारत माता के जयकारों से इलाका गूंज उठा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव भी नीमा तेंजिंग के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। रक्षा मामलों के पत्रकार आदित्य राज कौल ने ट्वीट कर लिखा, भारतीय सेना और लद्दाख पुलिस ने तिब्बती सैनिक और नायक नीमा तेंजिंग को उनके बलिदान के लिए श्रद्धांजलि दी। जय तिब्बत, जय भारत, जय विकास रेजिमेंट। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि नीमा तेंजिंग को सिर में गोली लगी थी। वो चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके बारे में किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। तेंजिंग के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। दो ध्वजों से क्यों लिपटा पार्थिव शरीर, अब इसे समझिए। नीमा तेंजिंग उन लाखों शरणार्थियों में से एक थे जिन्होंने तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद से वहां से पलायन कर भारत में शरण ले ली थी। भारत में शरणार्थी जीवन बिताने वाले नीमा तेंजिंग को SFF के जरिए भारतीय सेना से जुड़ने का मौका मिला तो उन्होंने 33 साल तक देश की सेवा की। हालांकि चीन के साथ हाल ही में हुई झड़प के दौरान वो शहीद हो गए। वो तिब्बत के रहने वाले थे इसलिए उनके पार्थिव शरीर पर भारतीय तिरंगे के साथ साथ तिब्बती झंडा भी लपेटा गया।